चलिए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। हिजाब विवाद पर फैसला, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं, हिजाब पर प्रतिबंध रहेगा बरकरार। कर्नाटक सरकार के आदेश पर रोक लगाने से कर्नाटक हाईकोर्ट का साफ इनकार, हिजाब पर रहेगी पाबंदी, हिजाब को लेकर याचिका खारिज कर दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करी है। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी वाई की खंडपीठ ने यह अहम और फैसला सुनाया है। तो आपको बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ा और अहम फैसला सुनाया गया। हिजाब विवाद पर ये बड़ा फैसला आया है, जहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि हिजाब अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए हिजाब को लेकर जो रोक पहले थी वही रोक अभी भी बरकरार रहेगी। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं किया जा सकता। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए धर्मगुरु सैयद अजहर अली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि जो ये फैसला आया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, फैसले का तो हमेशा से मुस्लिम समाज ने आदर किया है, हर फैसले का, और ये रूल भी है, भारतीय संविधान ऑलरेडी हमें ये देता है कि कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अपने धर्म आचरण का पालन कर सकता है। स्कूल के अंदर जहाँ तक बात है, वहाँ पर यूनिफॉर्म को फॉलो करना चाहिए, बच्चे यूनिफॉर्म फॉलो करते हैं, और हिजाब के माने कालांतर से लेके अब तक बदलते रहे हैं। किसी ज़माने में हिजाब पूरे शरीर को ढकने को कहते थे, फिर धीरे धीरे चेहरा छुपाने को कहने लगे, अभी बाल ढकने को कहते हैं, जो उसकी नई परिभाषा जो आई है सामने, वो बाल ढकने को लेकर है। इस्लाम ने अपने बदन के लिबास को ढकने के लिए खूबसूरत लिबास इस्तेमाल करने के लिए कहा है, और ऐसा लिबास जो आकर्षित करने वाला न हो, और इसको मुस्लिम समाज की बच्चियां बहुत अच्छे से जानती हैं, और अभी कोरोना काल में तो सभी लोग, एक तरीके से कहा जाए तो मुँह छुपा के तो सभी लोग रहते ही हैं, लेकिन चूंकि अपन तो एक पर्टिकुलर हिजाब पर बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कॉलेज के अंदर तो हर चीज़, कोई भी व्यक्ति कोई भी आचरण और कोई भी वस्त्र पहन के जा आ सकता है, वहाँ प्रतिबंध नहीं होते हैं। और जहाँ तक स्कूल की बात है, तो स्कूल का मैनेजमेंट भी कानून से ऊपर नहीं है, जो वो कानून की हननता नहीं करेगा, जो अधिकार मुस्लिम समाज या प्रत्येक समाज को भारतीय संविधान देता है, उसका हनन कॉलेज या स्कूल नहीं कर सकता है। स्कूल या कॉलेज से जो ये कहा गया है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, वो उसमें जो एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने उसको हिजाब के लफ्ज़ पर बहस की है, और जबकि पर्दा और जो शरीर को छुपाना है, वो प्रत्येक धर्म में अपने अंगों को छुपाना और आकर्षित अंग वस्त्र धारण करना, ये रोका गया है इसको। और ये मुझे याद आ रही है, एक चौपाई, जब श्री राम जी ने लंका फतेह कर ली, और लंका फतेह करने के बाद भ्राता लक्ष्मण से कहा कि जाओ वाटिका में, अशोक वाटिका में, और सीता भाभी को ले आओ, तो वो दो कदम चले और चलकर रुक गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं माता को पहचानूंगा कैसे, मैंने तो कभी उनको देखा ही नहीं। रामायण के अंदर ये आता है कि लक्ष्मण जो साय की तरह अपने बहन भैया भाभी के साथ लगा रहा, उसने कभी सीता जी को नहीं देखा। सीता जी ने कैसा पर्दा किया होगा मैम? ये तो हमारे आचरण और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत याचिकाकर्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा अभी खटखटा रहे हैं। आप बिल्कुल जुड़ी बातचीत करिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए। थैंक यू मैम।